स्वागत है अंजना का किचन में आप सबका। आज हम बनाएंगे सूखी चोली और चना दाल मिक्स। अभी मैं इसे धो के आधा घंटा भीगने दूंगी ऐसे ही पानी में, और उसके बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे। अब मैं इसे बॉईल करने जा रही हूँ। इसमें मैंने एक चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है। इसका ढक्कन लगा के 3 सीटी लगाएंगे। हेलो मॉम। हाय, क्या हो रहा है? देख, ये बॉईल हो चुका है। ओके, इसमें हमने हल्दी और नमक पहले से डाल दिया था, और देखो, वरना आप चोली का सब्जी बनाओ तो काला हो जाता है जी। हल्दी की वजह से एकदम अच्छा कलर आ गया है। अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसका तड़का करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने ये वाला 2 चम्मच ऑयल लिया है। ओके, और 1 चम्मच अमूल का घी लिया है, छोटी चम्मच है। ओके, ये वाला जैसे ही गर्म होता है आगे की प्रोसेस करते हैं। तड़के के लिए 1 मीडियम ऑनियन, 4-5 मिर्ची, अदरक और लहसुन है 2 कली, 1 मीडियम टमाटर है और 1 नींबू का रस है। सबसे पहले प्याज डालेंगे। 1 मिनट तक इसको ट्रांसपेरेंट होने तक ऐसे मिक्स करते रहेंगे। अब ये अदरक मिर्ची लहसुन को जो चॉप करके रखा है वो डाल देंगे, और टमाटर, थोड़ा सा अदरक मिर्ची लहसुन मैंने यहाँ पे रख दिया है, वो थोड़ी देर बाद डालेंगे। ओके, अब मसाला डालेंगे। हल्दी इनके हिस्से की डालेंगे, ये मसाले की हिस्से की, ये ऑलरेडी हम लोगों ने चोली में डाल दी है। ओके, धनिया जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच डाली है। ओके, हरी मिर्ची 6-7 ली है, इसलिए रेड चिल्ली पाउडर भी कम डालेंगे। अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं जी। मिला लेंगे। तेल और मसाला एकदम मिल चुका है। इस टाइम पे हम ये जो बॉईल किया हुआ चोली और चना दाल है इसको डाल देंगे। ओके, तो मिक्स कर लिया है, और नींबू का जूस जो है, नींबू का जूस भी डाल दिया है। बस अभी एकदम हल्का सा पानी डालना है। ओके, आप चाहे तो ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं, और इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट उबलने देना है। ओके, खोल के देख लेते हैं। एकदम अच्छे से उबल चुकी है। ये येलो दाल बनने वाली है, इसलिए इसमें रेड कलर बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने लाल मिर्ची एकदम कम डाली है जी। लास्ट में जो थोड़ा सा अदरक मिर्ची हमने बचा के रखा था, हाँ जी, वो ऊपर से डालेंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ऐसा अदरक मिर्ची लहसुन हर चीज है। हुँ। और अभी हम इसे सर्व करेंगे इसमें। तो देखिए, रेडी है बहुत ही बढ़िया सी लोबिया और चना दाल। देखिए क्या बढ़िया दिख रही है ये, आहा, मुझे तो खाने का ही दिल कर रहा है। हाँ, ये जो सूखी चोली है ना, उसको कुछ लोग लोबिया भी बोलते हैं, जो हाँ बेटी ने बोला। तो आप लोग सोचेंगे ये लोबिया क्या है। तो यहाँ पे यूएई में पहले मुझे भी पता नहीं था कि लोबिया क्या होता है। हाँ, अब पता चल गया कि लोबिया की दाल है। हम लोग में गुजराती में लोबिया मतलब कंजूस बोलते हैं। तो पहले तो ऐसे लगता था कि ये कंजूस दाल क्या होती है, फिर पता चला कि उर्दू में इसे लोबिया बोलते हैं। तो चलिए, रेडी है। अभी आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी, नान, पूरी, पराठा, या ऐसे ही खा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, है ना मॉम? यस, हरी धनिया के साथ हमने गार्निश किया है। इसकी मौज उठाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। हाँ जी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।